हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय श्री महाकाल, जय शिव शक्ति। मैं हूँ डॉक्टर खुशी। वेलकम डिवाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरू करते हैं इस मंथ का रीडिंग। जैसे कि मई मंथ की रीडिंग, मई से लेके मीन राशि तक जानते हैं कि आपके लिए करियर वाइज कैसा रहेगा, आपके फाइनेंशियल कंडीशन कैसे रहेगी, आपका हेल्थ एंड आपके लव रिलेशनशिप कैसी रहेगी। तो चलिए जानते हैं कि आपके लाइफ में इस मंथ क्या होने वाला है, क्या कहते हैं आपके सितारे। तो चलिए जानते हैं, शुरू करते हैं अगली राशि की ओर, जो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए चलिए जानते हैं कि आपके लिए कैसा रहेगा दिस मंथ, मई मंथ का आपके लिए मई मंथ कैसा रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ आपके लिए कुछ कंडीशन मींस ऐसे दिखाई दे रहे कि काफी ज्यादा काम वर्कलोड ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपको काफी ज्यादा जो स्ट्रिक्ट रहना पड़ सकता है। कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी जरूर आएंगी, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी के काम को लेके काफी अच्छे तरीके से काम करेंगे। कुछ चीजें परचेसिंग मीन्स की घर ऑफिस ऐसी कुछ चीजें जो है परचेसिंग जरूर करेंगे। कुछ आप जो है कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन करते हुए ज्यादा दिखाई देते दे रहे, कुछ अपने लाइफ को गोल को लेके आगे बढ़ते हुए ज्यादा दिखाई देते दे रहे। अपनी लाइफ की कुछ चीजें जैसे कि आपके कुछ लाइफ की जो चीजें जो है ज्यादा करके जो एक्सपेंड करते हुए दिखाई देते दे रहे। फैमिली वालों के साथ टाइम ज्यादा बिताएंगे, पैसे ज्यादा खर्च होते मुझे ज्यादा दिखाई देते हैं। जितने पैसे आएंगे उससे ज्यादा खर्च होंगे, तो ये चीजें ना करें। कहीं ना कहीं थोड़ी चैरिटी या फिर कहीं ना कहीं आपका प्रमोशन होते हुए दिखाई देते दे रहा है। काफी अच्छी कंडीशन दिखाई देती दे रही है, पर कहीं ना कहीं थोड़े से अगर कोर्ट कचहरी के मामला हो या फिर कुछ हालात हो तो उसमें थोड़े से बच के रहे। कहीं ना कहीं पक्ष जो है आपकी तरफ आते हुए नहीं दिखाई दे रहा, जिसके वजह थोड़ी सी अड़चने आ सकती है। बाकी अदरवाइज थोड़ी हेल्थ खराब होगी, कहीं ना कहीं थोड़े से हेल्थ इश्यू आते हुए दिखाई दे रहे। ब्लड चेक करवा सकते हैं। कहीं पार्टनरशिप अगर आप करते हैं तो पार्टनरशिप ना करें, पार्टनरशिप आपके लिए बेस्ट नहीं रहेंगी। लाइफ में न्यू पार्टनर की चांसेस दिस मंथ बनते हुए दिखाई दे रहे। शादी ब्याह का माहौल दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं शादी की बात अगर आपकी चल रही है तो डेफिनेटली फिक्स हो सकती है। अच्छे काम को लेके आगे बढ़े, स्ट्रिक होके काम कीजिए, जल्दबाजी में काम ना कीजिए, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन माइंड में ना रखे, तो दिस मंथ काफी ज्यादा जो है बेटर दिखाई दे रहा है। जानते हैं कि आपके लिए एंजल्स मैसेज क्या कहना चाहते हैं, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो कुछ गाइडेंस जो आपको जो देना चाहते हैं कि काफी ज्यादा जो आपके लिए कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन, कुछ न्यू चीजें जो आपके लिए लेके आते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ नहीं राह आपके लिए दिस मंथ में रहेगी, तो आप काफी ज्यादा चीजें जो है अपने लाइफ को जो थोड़े से कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल होकर अगर काम करते तो काफी बेस्ट रहेगा। तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के भेजिएगा कि आपका दिस मंथ कैसा रहा। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा कि दिस मंथ आपका कैसा रहा। एंड मैं ऐसे ही न्यू वीडियोस के साथ आपसे मिलती रहूंगी। एंड डेली टैरोट रीडिंग जो अभी जो रहती है, डेली टैरोट रीडिंग जो आपके लिए अभी आएंगी, ये रहेगी आपकी टैरोट क्वीन खुशी पे, जो लिंक जो है मैंने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के दिया है। आपने ये चैनल पे जाके जो है डेली टैरोट रीडिंग जो है देख सकते हैं। वेलकम डिवाइन पे अभी कुछ नए नए टिप्स आना जो है स्टार्ट हो सकते हैं। जितने भी क्लासेस स्टार्ट है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपके पास आना जो है स्टार्ट रहेगी। एंड नई नई इन्फॉर्मेशन जो है आपको मई मंथ से जो है मिलती रहेगी। एंड हाँ, सब लोगों का कहना है कि एस्ट्रोलॉजी जो क्लासेस जो है कब स्टार्ट होने वाले, तो एस्ट्रोलॉजी क्लासेस जो है आपको जो है जून मंथ से जो है स्टार्ट होते हुए मिलेंगे। जो बेसिक एस्ट्रोलॉजी रहेगी जो मैं इसकी डिटेल जो है आपको शेयर कर दूंगी। एंड टैरो ट्रेडिंग क्लासेस स्टार्ट है तो प्लीज ज्वाइन कीजिएगा। ये नंबर यही रहेगा जो टीवी स्क्रीन पे दिया गया है एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया गया है। आप अपनी एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स एंड टैरो कार्ड रीडिंग्स दोनों साथ में कर सकते हैं। इसकी फीस 1500 रुपए है। एंड आपको रीडिंग करवानी है या फिर टैरो रीडिंग सीखना है तो प्लीज ज्वाइन अस व्हाट्सएप मैसेज में। कॉल नहीं उठाया जाता तो व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज पे आपको सारे जानकारी जो है मिल जाएंगी। मैं ऐसे ही न्यू वीडियोस के साथ एंड न्यू टिप्स के साथ आपसे मिलती रहूंगी। वेलकम डिवाइन एंड टैरो क्वीन खुशी पे। तो तब तक के लिए नमस्कार।